दीपावली का त्यौहार राजधानी जयपुर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली के त्यौहार की रोशनी देखने में बड़ी संख्या में लोग जयपुर आते हैं। बाजारों में भीड़भाड़ के चलते यातायात पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। आमजन को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए पुलिस सड़कों पर ही दिवाली मनाएगी। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी दीपावली पर यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए शहर में यातायात पुलिस कर्मियों के साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात किए जाएंगे। दिवाली से लेकर भाई दूज तक जयपुर के परकोटे और मानसरोवर, वैशाली नगर, मालवीय नगर सहित प्रमुख बाजारों में यातायात पुलिस का जाप्ता रहेगा। जयपुर शहर में जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, उसके लिए एक तो हम लोगों को अतिरिक्त नफरी जो है वो पुलिस लाइन से भी लगभग 150 लोग मिलते हैं। इसके साथ में होमगार्ड की स्वीकृति आती है। इन सबको यूज़ करते हुए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सुगमता लोगों को दे पाएँ। इसके लिए कुछ क्षेत्रों में हम लोग प्रेशर वाले दिनों में नो एंट्री कर देते हैं, इसमें वाहनों का प्रवेश नहीं होता, केवल पैदल ही आप लोग जा सकते हैं, और कुछ डाइवर्जन्स करते हैं। इन सबको मिला करके एक बार ट्रैफिक चलता रही ये व्यवस्था करनी हमारी प्राथमिकता होती है। इसके साथ ही साथ जो हॉक का सिस्टम है, जिसमें कि हम नो पार्किंग की कार्रवाई करते हैं, चूँकि सड़कों के साथ साथ जो वाहन खड़े हो जाते हैं उससे भी काफ़ी समस्या आती है, तो मुख्य तौर पे जो हॉक का सिस्टम है जो कि नो पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पे बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी, तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा होमगार्ड्स डिप्लॉय किए हैं जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करेंगे और रेगुलेशन में मदद करेंगे।